बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हुए आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी बेसिकली होती क्या है, कहाँ से इमर्जेंस हुई है, कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, कितनी थ्योरीज हैं इसकी बेस पे बनी है, सोशल साइंसेस के अंदर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके रूट कॉज है जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है किसी भी थ्योरी के इमर्जेंस के ऊपर। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हुए हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। दैट इज, आइडियोलॉजी यूजुअली रेफर्स टू अ सेट्स ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़ और अ वर्ल्ड व्यू। इसमें इन्होंने कहा है कि आइडियोलॉजी वो सेट्स ऑफ आइडियाज़ हैं, वो दिमाग की सोचों का मजमुआ है, वो इकदार हैं, वो अखलाकियात हैं जो कि इंसान के दिमाग में आती हैं। आइडियोलॉजी कैन शेप द थाट्स एंड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल इन वाइडर सोसाइटी। इंसान की वो बिहेवियर, वो पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल एक्शंस जो इसके माइंड में मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू चलते हैं और वैसा ही वो बिहेव करता है या वैसा ही वो एक्सप्रेस करता है, वो एक्चुअली में उसका नज़रिया या उसकी सोच होती है। दैट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो है इंसान के सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि सोसाइटी के अंदर वो जिस तरह से रहता है उसके बिहेवियर बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक मैशत पे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिक्स सियासत में बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी बेस पे जो है सोसाइटीज़ जो हैं वो रन करती हैं या बेस प्रोवाइड करती है आइडियोलॉजी। इसके फंक्शन की तरफ चलते हुए सबसे पहले इसका कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, उन्होंने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि कार्ल मार्क्स क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन हाउ द रूलिंग क्लास जस्टिफाइज देयर इलिट स्टेटस थ्रू द सोशियो कल्चरल बिलीव्स दे स्प्रेड इन सोसाइटी। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है हम किसी भी सोसाइटी की, जिसे अपर क्लास कहा जाता है, वो अपने स्टेटस को एक्चुअली में जस्टिफाई करते हैं, सोशियो कल्चरल बिलीव्स जो हैं वो उनके थ्रू सोसाइटी में फैलते हैं। तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो सोसाइटी के बड़े लोग होते हैं, उनके दिमाग में जो भी सेट्स ऑफ आइडियाज़ होते हैं, वो अपने आप को ये सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को उसके हिसाब से जस्टिफाई करते हैं जो उनको ठीक लगता है, जिसकी वजह से जितने भी सोशियो कल्चर बिलीव्स होते हैं वो सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं, और यही फंक्शन है आइडियोलॉजी का। अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें तो सोशल साइंसेस के अंदर सोशियोलॉजी जो है वो एक्चुअली बेस करती है सोसाइटी के ऊपर। तो सोसाइटी में या सोशल साइंसेस में जो आइडियोलॉजी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो मार्क्स यहाँ पे कहते हैं, आइडियोलॉजी मीन्स अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट सीम्स ट्रू एंड कन्विंसिंग वन ऑन द सर्फेस बट वॉज नॉट एक्चुअली ट्रू। दिस इज़ वट ही कॉल्ड फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे उसको बेसिकली वो क्या कहते हैं कि हम वो बिलीव्स हैं, हमारे अकीदे हैं या आइडियाज़ हैं जो हमारी सोचें या नज़रिया बनाते हैं, हमें लगते तो ठीक हैं, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे को कन्विंस कर पाते हैं, या वो वाली जो सोच है या हमारी थॉट है या थिंकिंग है जिसकी बेस पे हम अगले को कन्विंस कर पाते हैं, अपनी मुद्दे की तरफ वापस ले आते हैं, एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो सोच है, आपकी परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है या आइडियोलॉजी है वो ठीक हो, तो उसे हम फॉल्स कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस को मैं यहाँ एक्सप्लेन करती चलूँ तो कॉन्शियसनेस बेसिकली करंट जो सिचुएशन होती है इंसान की, जो इस जिसमें लाइव एक्सपीरियंस इसको वो गेन कर रहा होता है, वो उसकी करंट सिचुएशन जो होती है उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो वो जो है वो बिलीव्स जो होते हैं वो ट्रू नहीं भी हो सकते, उन्हें हम फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। आइडियोलॉजी कंटिन्यूज टू मीन अ सेंस ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। Scholars of the sociology of knowledge such as Marx, Weber and Karl Menem use ideology to refer the manipulating partly true philosophers and sets of belief. तो यहाँ पे वो scholars की बात करते हुए कहते हैं कि sociology जो वो knowledge है उसमें जैसे Karl Weber हैं और Karl Menem हैं, इन्होंने काम किया है, तो partially true भी हो सकता है, manipulatable है, explainable है, किसी को convince किया जा सकता है इसकी बेस पे। तो इसके अंदर बहुत सारे लीडी जो लीड करने वाले थ्योरिस्ट थे, उनमें सबसे पहले कार्ल मार्क्स का नेम आता है। उन्होंने इसको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उन्होंने सोसाइटी को डिस्कस करते हुए दो मेजर ग्रुप्स बनाए थे, एक रूलिंग क्लास थी जिसे अपर क्लास कहा जाता है, और एक ओप्रेस्ड थे जो वर्किंग क्लास थी जिसे लोअर क्लास भी कहा जाता है। उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक
अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, जो बेस है वो वर्किंग क्लास या ओप्रेस्ड है जिन्हें गुलाम या वर्कर्स कहा जाता है, और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो ओप्रेसर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली एग्जेक्टिव होते हैं। द लोअर क्लास इज द फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड थ्रू द रोल इन जनरेटिंग प्रॉफिट इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। वो लोग जो इससे आपकी सोच से जो है काम करते हैं, ठीक है, उनको पहले तो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो आपके दिमाग में सेट्स ऑफ आइडियाज़ होते हैं उसकी बेस पे उन्हें मोड ऑफ प्रोडक्शन के तरीके बताए जाते हैं और वहाँ से प्रॉफिट गेन किया जाता है, और ये सारा काम जो होते हैं वो ओप्रेस्ड करते हैं, द वर्किंग क्लास करती है, द लोअर और मिडिल एरिया करता है। देन वर्किंग क्लास पीपल आर मैनिपुलेटेड इन द थिंग्स दैट देयर कंडीशंस इन सोसाइटी आर नेचुरल एंड इन देयर ट्रस्ट एंड इन देयर इंटरेस्ट। तो जो इनके इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो अपर क्लास जो के लोग जो होते हैं वो अपनी थिंकिंग और कंडीशंस के थ्रू नेचुरली स्टिमुलस देते हुए सोसाइटी के वर्किंग क्लास के थ्रू अपने काम को या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उन चीज़ों को गेन करते हैं। दिस हैपन्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस इन द सुपर स्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिलीजन, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड द मीडिया। और जो सुपर स्ट्रक्चर जो होते हैं जैसे ओप्रेसर्स हैं, जो रूलिंग क्लास है, जो अपर क्लास है, उनके जो है इंस्टीट्यूशंस में उनकी आइडियोलॉजी जो है वो प्रिवेल करती है, उनमें एजुकेशन आ जाते हैं, उनमें कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, उनमें मीडिया आ जाता है जिन जो कि उनकी आइडियोलॉजी को प्रिवेल करवाता है, प्रमोट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लीडिंग थ्योरिस्ट है आइडियोलॉजी को लेके वो है मेमम। मेमम सो ऑल द वर्ल्ड व्यू एंड द बिलीफ सिस्टम एज वन साइडेड, रिप्रेजेंटिंग द ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और क्लास। वो ये कहते हैं कि जो आपकी बिलीव्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी वन साइड को, ठीक है। ही डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ बिलीव सिस्टम, लेकिन उन्होंने दो डिफरेंट किस्म की बिलीव सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक थॉट बोला कि दैट इज आइडियोलॉजिकल थॉट एंड द अदर इज यूटोपियन थॉट्स। तो ये दोनों थॉट्स की बेस पे उन्होंने आर्ग्यू किया कि स्पेशली फॉलोअर्स ऑफ द बोथ दीज बिलीव सिस्टम्स मस्ट बी लिफ्टेड फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप्स, दे शुड वर्क टूगेदर ऑन इशूज फेस्ड इन सोसाइटी बाई क्रिएटिंग अ टोटल वर्क व्यू दैट केप्ट एवरीबडीज इंटरेस्ट इन माइंड। लेकिन कार्ल मेमम ने ये बात जो है माइंड में रखी और उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे पास लोअर क्लास है और अपर क्लास है, जो आइडियोलॉजिकल थॉट है, यूटोपियन थॉट है, इन दोनों को मिल के काम करना है, ठीक है। इनको कोई भी जो है वो इशू आता है वो दोनों मिल के फेस करें, और इसका जो है अपने इंटरेस्ट, हर किसी का यहाँ पे जो है वो फ़ायदा हो, हर किसी का जो है अपने लिए जो कुछ भी कमाना चाहता है या कुछ भी अपना इंटरेस्ट लेना चाहता है अपने फ़ायदे के हिसाब से उसके अंदर काम करें, सोल्यूशन का हल निकाले, किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाले और अपने लिए आइडियोलॉजी को प्रिवेल करवाए। इसमें नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट आते हैं दैट इज़ फेमिनिज्म, जो है वुमेन्स के ऊपर जो स्टडी है उसके अंदर जो है जेंडर स्टडीज़ में, द डोमिनेंट आइडियोलॉजी थीसिस इज शेयर्ड बाय मेनी फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम टेकिंग डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी, रिजल्टिंग इन जेंडर इनइक्वालिटी इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। आइडियोलॉजी वर्क करते हुए वुमेन्स और मैन की जो है इनइक्वालिटी, इनजस्टिस के ऊपर चली गई, तो उसमें ये बताया कि डोमिनेंट रोल जो है वो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी का, दैट इज मैन जो है डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस है। पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी के ऊपर जो है जो मेल डोमिनेंस है उसको रोका जाए और वुमेन्स को भी डोमिनेंट रोल दिया जाए सोसाइटी में, क्योंकि इनइक्वालिटी की बेस पे बहुत सारे एरियाज में जो वुमेन्स हैं वो अपनी स्किल्स को प्रमोट और इन्हांस नहीं कर पाती हैं। पोलैंड मार्क्स इन 1979 रिकॉर्डेड दैट मेल साइंटिस्ट एंड डॉक्टर जस्टिफाइज वुमेन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन एंड वर्क बाय स्टेटिंग दैट इट वुड बी अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एंड अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज फॉर वुमेन्स थ्रू वोकेशन टू बिकम मदर्स। पोलैंड मार्क्स ने जब इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन और स्टेटिंग है, मतलब काम करने की जो शरह है, वो गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। जो जितने उनके हकूक के परसेंटेज के हिसाब पे उनको जितनी भी अथॉरिटीज़ दी गई हैं तो वो जो है मेल डोमिनेंस के हिसाब से बहुत कम है, जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उससे बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाता है। इससे एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो एक माँ है या एक औरत है वो एक माँ बनने के लिए ही है, ठीक है। तो इसमें भी आइडियोलॉजी इस तरह से भी इन्हांस करती है, जहाँ पे सोसाइटी के लोग जो है अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में रिविलेशन करते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इनमें हम पहले तीन मेजर एग्जांपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, दैट इज़ लिबरलिज्म, कंजर्वेटिविज्म एंड सोशलिज्म। इन यूनाइटेड स्टेट
फोर ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पोलिटिकल आइडियोलॉजीज आर लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबर्टेरियनिज्म एंड पॉपुलिज्म. जोसेफ स्टेलिन रिजेम इन द 20th सेंचुरी सोवियत यूनियन वार बेस्ड ऑन टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी. जो 20th सेंचुरी में सोवियत यूनियन का बेस हुई थी वो इस आइडियोलॉजी पे हुई थी, जिसके पीछे जो है एक आइडियोलॉजी थी और वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स ने अपनी आइडियोलॉजी को, अपने कॉन्शियस को प्रिवेल करवाया, जिसकी बेस से बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स बने और जिसकी बेस पे एक आइडियोलॉजी ने जन्म लिया और उसकी बेस पे एक सोवियत यूनियन का जो है प्रोडक्शन हुई और वह एक वजूद में आई. इसके बाद हमारे पास है एवरी आइडियोलॉजी मेंशन्ड हैज इट्स यूनिक अप्रोच टू राइट एंड लॉ ड्यूटीज एंड लिबर्टीज विद इन अ सोसाइटी, लिबर्टीज विद इन अ सोसाइटी. तो हर आइडियोलॉजी के अंदर कुछ एक यूनिक होती है अप्रोच द वे ऑफ थिंकिंग, जिस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, जो भी हमारा तरीक़ाकार होता है किसी भी प्रॉब्लम को लेके उसको सॉर्ट आउट करवाने का, तो वो जो तरीका हम इख्तियार करते हैं उसको हम अप्रोच कहते हैं, जिसमें हमारे पास राइट्स एंड लॉ आ जाता है, ड्यूटीज आ जाती हैं, लिबर्टीज आ जाती हैं किसी भी सोसाइटी में. तो ये सब कुछ है कुछ एक अपनी यूनिक रास्ता इख्तियार करते हैं जो उस आइडियोलॉजी को प्रिवेल करवाने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है. इसके बाद इसे आते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो राइट पर ही नेशनलिज्म, दैट इज अथॉरिटी, हायरार्की एंड ट्रेडिशनलिज्म. कुछ जो है करेक्टरिस्टिक्स इसके लेफ्ट पे थी, दैट इज फ्रीडम, इक्वालिटी, रिफॉर्म एंड इंटरनेशनलिज्म. सो आई होप आज की वीडियो सबको क्लियर हो चुकी होगी. आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा. कहीं भी आपको कहीं कमी बेशी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें. दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.